आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। राजस्थान के हाड़ौती अंचल में प्री मॉनसून की जमाजम बारिश होने के साथ ही खरीफ की बुआई की तैयारी शुरू हो गई है। प्री मॉनसून की अच्छी बारिश से इस बार हाड़ौती में पीला सोना यानी सोयाबीन की बुआई का रकबा बढ़ेगा, लेकिन सरकार के पास इसके बीज की कोई व्यवस्था नहीं है। समय रहते बीज का बंदोबस्त नहीं किया गया तो सोयाबीन बीज के लिए भारी मारामारी मचेगी। सरकार के पास सोयाबीन का प्रमाणित बीज सिर्फ 32,000 क्विंटल है, जबकि कृषि विभाग के बुआई आंकड़ों के अनुसार 7,60,000 क्विंटल बीज की जरूरत पड़ेगी। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीज मंगवाने की तैयारी चल रही है। कृषि विभाग ने कोटा खंड में खरीफ की बुआई का लक्ष्य तय कर दिया है। इसमें कोटा संभाग के चारों जिलों में 7,60,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई का आकलन किया गया है, जो पिछले साल से अधिक है। अगले सप्ताह से बुआई शुरू हो जाएगी। हाड़ौती में सबसे अधिक सोयाबीन की बुआई झालावाड़ जिले में 3,00,000 हेक्टेयर में होगी। कोटा में 2.51 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हाड़ौती में एक हेक्टेयर में एक क्विंटल बीज की जरूरत होती है। इस हिसाब से 7,60,000 हेक्टेयर में बुआई पर 7,60,000 क्विंटल बीज की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान स्थिति में कोटा संभाग के राजकीय संस्थानों में केवल 32,000 क्विंटल ही बीज उपलब्ध है। इसके अलावा करीब 68,000 क्विंटल बीज व्यापारियों के पास उपलब्ध है, शेष बीज की कोई व्यवस्था नहीं है। सोयाबीन बीज की किल्लत के बीच कृषि विभाग ने दावा किया है कि संभाग में 1,350 संगोष्ठियां कर 13,000 किसानों के माध्यम से 1.97 लाख क्विंटल बीज करवाया गया है। किसान ही अपने हिसाब से बीज देंगे। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाले राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान राज्य बीज निगम ने फिलहाल सामान्य किसानों को बीज उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना है कि बीज उत्पादक कार्यक्रम में पंजीकृत किसानों को ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य किसानों के लिए निगम के पास प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं है। मुख्यालय से टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर होने के बाद ही पता चलेगा कि बीज कहां से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।